हुआ आज चुपचाप का आयो? कोनो बात है का? ऐसा तो कोनो बात नहीं। लाई पट्टी बदल दी। कल पाव फटने से पहले खेत पहुंच जाएंगे, तब जाके कहीं काम जल्दी खत्म होगा और खेत बोने लायक बनेंगे। अच्छा हो गया ना, ट्रैक्टर की वजह से मदद हो जाएगा। अरे पानी खत्म हो गया। हम लाते। बक्से वाली, रणविजय अभी तक नहीं आया? माँ जी, वो थोड़ी देर पहले ही कहीं बाहर गए हैं। थोड़े से परेशान लग रहे थे, इसलिए हम उनको रोके नहीं। रणविजय रोए से हारता है, तब भी मानता नहीं है। काहे इतना फोकस मारता है ससुरा? हार बर्दाश्त नहीं होती। बाबूजी, सच बोले तो नौकी दुल्हन का इस खेल में हिस्सा लेना बिल्कुल ही नियम के खिलाफ था। क्या रणविजय अब ये सब कहने लग गया? रोना कहीं का। सबसे पहले वह तैयार हुआ था इस सब चीज के लिए। एक पिद्दी बार लड़कियां से हार गया, दूसरे की का गलती? अरे लेकिन हमरे विजेता और उनकी सेनानी कहाँ है? वो बबुआ के पैर में अभी भी दर्द है, इसलिए लाली उसका खाना कमरे में ले गई। वैसे एक बात कहें बाबूजी, ये ट्रैक्टर का मुकाबला करवा के बहुत बुद्धिमानी का काम किया के वजह से शेखर और नौ की दुल्हन की नजदीकियां बढ़ गईं। आप देखिएगा, हमारी इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। लोहा, तुम चाहे जो चाहो, लेकिन हम वो सारी चीज देखकर बहुत खुश नहीं हैं। पोता पाने की पागलपन भरी ललक में तुम्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं। एक गुब्बार बन रहा है, गुब्बार आने वाले तूफान से पहले वाला। अभी ये साहब का प्रवचन शुरू कर दिया आप बाबूजी, जब कौनो नया नौटंकी का प्लानिंग कर रहे हैं। लोहा, औरत और मर्द के बीच का रिश्ता एक मजबूत बंधन होता है। और बच्चा पैदा करना, चलो और बच्चा पैदा करना इस बंधन का, इस रिश्ता का एक अहम परिणाम होता है। आदमी जानवर नहीं है, उसके साथ भावना और एहसास भी जुड़ा होता है। तुम क्या सोचते हो, उसने तुम्हें वारिस दे दिया तो काम खत्म, जिंदगी खुशहाल। एक बात याद रखना, आने वाला तूफान एक दिन तुम्हें भी अपने साथ बहा के ले जाएगा। आपका दोष नहीं है बाबूजी, आपकी उम्र का दोष है। कहते हैं ना कि उम्र माँ हम लोगों की पुरानिया का दिमाग थोड़ा कम ही चलता है। तुम काहे नहीं कुछ बोलती हो? नई नई इस परिवार में आई थी तब तो इतनी चुप चुप नहीं थी। वक्त इंसान को बदल देता है बाबूजी। लेकिन अभी तो तुम्हें बोलना चाहिए। औरत के तौर पर तुमको ये सब पसंद है क्या? एक बात जान लो, वो सिर्फ दासी का काम नहीं कर रही है, वो प्रेम में पड़ गई है तुम्हारे बेटे के। वो तो इस्तेमाल करके फेंक दी जाएगी। तब उसका टूटता हुआ दिल देखकर तुमको तकलीफ नहीं होगी? हमारे सामने दो रास्ता खुला है, या तो एक औरत बन जाए या फिर माँ। हाँ, हमको भी वो तूफान दिखाई दे रहा है बाबूजी, लेकिन हम चुपचाप एक ही रास्ता चुने। ये आशा में कि बाप के तरफ से कोनो तरह हमारे बेटा को छुटकारा मिल जाए। तीज का चांद है और जैसे जैसे वो बढ़ेगा शिखरवा की जिंदगी दिन प्रतिदिन छोटी होती जाएगी। उसके दिल में तुम्हें अपने लिए प्रेम पैदा करना होगा। जानती हूं तुम को नहीं छू सकते, हम अपनी सीमा नहीं लांघ सकते। जब हमारे बीच में कोनो रिश्ता या कोनो प्रेम तो है नहीं, तो ये सब चीज़ तो नहीं कर सकते ना। चांद तो अक्सर निकलता है, लेकिन हमने कभी इसे ई नजर से नहीं देखा। कहते हैं चांद जिंदगी देता है, फूल और पंछी इसका अमृत पीते हैं। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है लाली। हम जानते हैं ये सब चीज जबरदस्ती की बात नहीं है, ये तुम्हें को करना होगा, ये तुम जानती हो और इसलिए तुम कुछ आगे भी बढ़ी हो। लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे बैठुकरा। कोशिश किए थे लेकिन हम उनकी आत्मा नहीं छुपाए। के मन में हम अपने लिए प्रेम नहीं पैदा कर पाए। तुमने कर दिया है। बबुआ के मन में तुम्हारे लिए एहसास है। माँ है हम उसकी, हमसे बढ़िया उसे कौन जानता है। उसके दिल में कभी किसी को इतना गहरा उतरते नहीं देखा। बस एक चीज है, बबुआ को पता नहीं है कि उसे हुआ क्या है। बस कौनो तारा उसे इस बात का एहसास दिलवाना होगा। लेकिन वो तो हमसे खुद बोले है कि बात पर मत जाओ, उसका चाल ढाल देखो। बदली हुई चाल ही दिल की आवाज है। अगर ऐसा नहीं होगा तो काहे लिए वो सब चीज कर रहा है जिस पर उसने कभी ना ध्यान दिया हो। इतना थका हारा होने के बावजूद वो जगा होगा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारी फिक्र है तभी तो। जाओ जाकर देखो। काहिली उस सब चीज कर रहा है जिस पर उसने कभी ना ध्यान दिया हो। इतना थका हारा होने के बावजूद वो जगा होगा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तबीयत ठीक नहीं है का? कोई का ही नहीं अब तक। आप भी तो नहीं सोए? हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लगा कि कुछ गड़बड़ है। पक्का तुम ठीक तो हो ना? बबुआ के मन में तुम्हारे लिए एहसास है। उसके दिल में कभी किसी को इतना गहरा उतरते नहीं देखा। बस एक चीज है, बबुआ को पता नहीं है कि उसे हुआ क्या है। बस कौनो तरह उसे इस बात का एहसास दिलवाना होगा। जो ये बेटा की लड़की नाश कर दी सब कुछ, इज्जत लेके जिंदगी बेअर्थ कर गई। और अब जब वो हमारे खानदान में बारिश पैदा कर देगी तो सब मामला ही खराब कर देगी। धीरे धीरे पूरा हवेली ओगरा मुट्ठी में। तो हटा काहे नहीं देते उस झंझट को? नहीं ना कर सकते ना। हमारा बाप ससुरा होने नहीं देगा। और अब तो हमारे भाई को भी अपना जाल में फंसाना शुरू कर दिया। मतलब खतरे का घंटी देखा नहीं? 20 कबड्डी का मैच में हमारे सामने आके कैसा खड़ी हो गई। हमारे सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह डट गई थी आके। अरे सब नाटक है उसका। शेखर का नजदीक आने के लिए हर दम नया पैतरा बनाती रहती। अब वो नया खेल शुरू कर दिए। क्या था? अब जमीन साथ है, साथ रहती है शेखर के। कहाँ बताएं समझ। बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। अरे पर हम उसे रोक तो सकते हैं। कैसे रोके? वो जमीन तो शेखर का ही है। अरे भैया जमीनिया शेखरवा की है तो क्या हुआ? अरे उसको बेच के सब झंझटवा तो खत्म कर सकते हो ना। वो बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? सुना है कि कलकत्ता से कुछ बिजनेसमैन आए हैं। वो यहाँ पे कोनो बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। यहाँ पे वो दर दर भटक रहे हैं जमीन के खातिर। तो जमीन बेच काहे नहीं देते उनको? यदि जमीन निकल जाता है तो शेखर और वो चिड़ैया का प्रेम का बगिया बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्रेम का कली बीच रास्ते में मुरझा जाएगी।